आज के इस महफिल में, इस बज़म में हम बात करेंगे एक खौफ की, एक डर की, ख़तरे की। वासिफ अली वाजी साहब फरमाते हैं, अगर ईंटों में रब ना हो तो आंधी दीवार को भी गिरा देती है। अंदरूनी कमज़ोरी को बिरूनी खतरात हमेशा दरपेश रहते हैं। शिकस्ता जहाज को कोई भी हवा रास नहीं आती। बीमार वजूद के लिए हर मौसम खतरे का मौसम है। कुव्वत मुदाफ़त ना रहे तो बीमारी का शैबा भी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। जब कौमों के अंदर वहदत ना रहे तो इसमें इंतशार के एक नामालूम ख़तरे की शक्ल मौजूद होती है। आज हमारे गिर्दो पेश खतरात हैं। हम कब से गुजर रहे हैं, मकीनों को अपने मकाम सुकून नहीं, कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में कोई ना कोई ख़तरा मौजूद है। अब वो वक्त आ गया है कि हम अपनी सभा में इत्तेहाद पैदा करें, अपने माल और अपने माल में सबका शरीक करें, दूसरों की इज्जत करें ताकि हमारी इज्जत हो। दुश्मन की कोई हरकत करने से पहले 10 दफ़ा सोचे कि हम किस से, किस तरह से नंबर 10 माँ होंगे। हमें बेरार ज़िंदगी का खौफ होना चाहिए और इसकी राह में मरना हमारे लिए खौफ का नहीं, शौक का बाइस है। वैसे उसकी राह हक और हकीकत का रास्ता है। भाई के लिए वो चीज़ पसंद करने का रास्ता जो अपने लिए पसंद हो, इंसाफ कायम हो जाए तो खतला टट जाता है। इंसाफ कायम हो जाए तो खतरा टल जाता है। सीने में इमाम बेदार हो जाए तो खौफ निकल जाएगा। यकीन जिंदा हो जाए तो मौत ख़त्म हो जाएगी। दौलत की मोहब्बत कम कर दो, अंदेशे कम हो जाएंगे। सियासत से झूठ निकल जाए, दिल से खौफ निकल जाए। लालच खौफ पैदा करता है, अंदरूनी इंतशार बिरूनी सरहदों पर खतरे की शक्ल में नजर आता है। खतरा बहरहाल अंदर से है, बाहर से नहीं। उम्मीद करता हूँ आज के इस महफिल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।